हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सिंगल किचन में। तो आज हम बनाएंगे पिज्जा बिना ईस्ट और बिना ओवन के, कढ़ाई में देसी स्टाइल में। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं देसी स्टाइल में पिज्जा। तो आइए देख लेते हैं पिज्जा बेस बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत है। तो हमने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप आधा कप हमने दही लिया है, इसमें डाल देते हैं या 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच शुगर है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा है, ये जरूर डालना है, और 1 चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इसे हम इसका डो हम तैयार करेंगे मिक्स करके। अब इसे हम मिक्स करके अच्छा एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। हमारा डो तैयार हो गया है, अब इसे हम 1 घंटा के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं ढककर अच्छे से। तो देखिए हमारा 1 घंटा हो गया है, पिज्जा का डो तैयार करके हमने रख दिया था बेस बनाने के लिए। तो इसे हम 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे हम थोड़ा फिर से इसे सॉफ्ट इसको सान लेते हैं, गूंथ लेते हैं। तो इस तरह से इसे आटा को गूंथ लेना है। तो देखिए डो हमारा एकदम बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह से इसको मिक्स कर लेना है डो को। अब इसे हम 2 भाग करेंगे अब बेस बनाने के लिए पिज्जा का। थोड़ा सा हम मैदा यूज करेंगे, आप अगर चाहें तो कॉर्नफ्लावर भुना हुआ आटा जो होता है मक्के का वो भी आप डाल सकती हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कुरकुरा होगा। नहीं है तो आप मैदा भी यूज कर सकती हैं, और इसे हम जिस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो आप इसे बेल लीजिए। तो देखिए हम 1 प्लेट ले लिए हैं, इसी में हम बनाएंगे अपना पिज्जा। आप चाहे तो थोड़ा अलग प्लेट भी यूज कर सकती हैं, हम इसमें बनाएंगे। तो इसको थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इतना बड़ा इसको बेल लिया है, इतना मोटा बेलना है। अब इसे हम इस प्लेट पर सेट कर लेते हैं, इसको एक फोक से हम छेद कर दें जिससे ये फूले नहीं। बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल मार्केट के जैसा ही लगता है। हाँ तो देखिए हमने इसका छेद कर लिया है। तो देखिए हमने इसमें अच्छे से छेद कर लिया है। अब इसमें हम पिज्जा सॉस लगाएंगे नीचे। सबसे पहले इसे अच्छे से लगा दीजिए। अब इस पर हम मोजरेला चीज डालेंगे। चीज अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आपको अगर कम है यूज करना तो आप कम कर सकती हैं। अब इस पर हम सब्जियाँ, हरी सब्जी जिसमें हमने टमाटर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, गाजर लिया है, प्याज लिया है, थोड़ा सा पनीर लिया है। आपको जो सब्जी अगर पसंद हो वो यूज कर सकती हैं। स्वीट कॉर्न हमने नहीं लिया है, नहीं था, आप अगर है तो वो भी यूज कर सकती हैं। इसे हम एक एक करके सजाएंगे। आपको जैसी इच्छा हो इसी सब्जी को काट सकती हैं, हमने लंबा लंबा काटा है। अब हम शिमला मिर्च इस पर डालेंगे, हम डालेंगे गाजर,
अब हम प्याज इस पर डाल देंगे। अब हम पनीर थोड़ा सा डाल देते हैं। अब हम इस पर डाल देते हैं मोजरेला चीज। अब इस पर डालते हैं चिल्ली फ्लेक्स, आपको जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ओरिगेनो। हमने कढ़ाई रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम इसे हम इसमें चढ़ा देंगे पकने के लिए। हमने एक कढ़ाई लिया है और इसमें हमने नमक डालकर एक कटोरी रखकर इसे गर्म होने के लिए 15 मिनट छोड़ दिया था। ये गर्म हो गया है। अब इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम अपना ये पिज्जा जो तैयार किए हैं इसको हम इसमें रख देंगे। 20 से 25 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद इसको हम देखेंगे। इसको ढक देते हैं हम ऐसे 15-20 मिनट के लिए, बीच बीच में देखते हैं। तो देखिए आइए हम देख लेते हैं। बीच में से ऐसे हमने देखा था, इसे बनाते हुए हमने 35 मिनट लगा है। अच्छे से हम इसे बेक कर लिए कढ़ाई में ही। अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमारा पिज्जा तैयार हो गया है। तो देखिए देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो देखिए हमने ये दूसरा पिज्जा भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसे हम बेक करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भी हम इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद सर्व करके हम आपको दिखाएंगे।